आज श्योपुर के करते हैं, जहां मंत्री लाखन सिंह के भतीजे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। संजय यादव पर जनपद पंचायत सीईओ को धमकी देने का आरोप है। संजय के सहयोगी अंकित मुद्गल पर भी गाली गलौज का भी आरोप लगा है। सीईओ ने मंत्री के कथित भतीजे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता रहे हैं, मंत्री लाखन सिंह के भतीजे पर गुंडागर्दी का आरोप, संजय यादव नाम बताया जा रहा है। जनपद पंचायत सीईओ को धमकी देने का आरोप है। संजय के सहयोगी अंकित मुद्गल जिन पर गाली गलौज का आरोप है। इधर सीईओ ने मंत्री के भतीजे पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्वदेश भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। स्वदेश, अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, जिस प्रकार पूरी कार्रवाई हुई है, जनपद सीईओ पीटर द्वारा ये आवेदन दिया गया है थाने में, और साथ ही कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को की अवगत कराया गया है कि जिस तरीके से मेरे साथ मोबाइल पे गाली गलौज, मुझे धमकाने और जबरन कार्य कराने के लिए प्रभारी मंत्री के भतीजे ने गाली गलौज की, उसके साथी ने गाली गलौज की, उसके बाद थाने में भी आवेदन दिया गया है, और उसमें जनपद सीईओ के साथ साथ अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने आवेदन दिया है, जिसके चलते थाना प्रभारी ने मामला संज्ञान में लिया है, उसकी जांच की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये नजर आ रही है कि प्रभारी मंत्री के भतीजे की अभी ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि किसी प्रकार जो ऑडियो वायरल हुआ है वो उनके भतीजे का ये या कोई अन्य नाम संजय यादव लेकर उसको जनपद सीईओ को धमका रहा है। अब बात यह है कि कल पूरा प्रशासनिक अमला, यहाँ तक कि अधिकारी भी इस बात को लेकर बड़े स्तर पर जाने की तैयारी में, और कलेक्टर से कल ये मीटिंग होगी कर्मचारी अधिकारियों की, उसके बाद ही कुछ सामने आ पाएगा किस प्रकार प्रशासनिक अमला इस एक्शन पे अब काम करने वाला है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के।